हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे गार्लिक बटर स्पगेटी। चलिए पहले पास्ता सॉस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है बटर। पैन को हमें मीडियम आंच पे रखना है। ये बटर जो है अनसॉल्टेड मैंने यूज़ किया है, आप चाहे तो सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आगे जाके थोड़ा सा नमक कम यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे एक चम्मच कुकिंग ऑयल, जो बटर को जलने से बचाएगा। जब तक बटर पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बटर पूरा मेल्ट हो चुका है, अब हम यहाँ पर डालेंगे गार्लिक। मैंने यहाँ पर स्लाइस किया हुआ गार्लिक यूज़ किया है, आप चाहिए तो क्रश्ड गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक फ्रेग्रेंट होने तक अच्छे से सॉटे कर लीजिए। अब यहाँ पे जाएगा चॉप किया हुआ अनियन। अनियन को करीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमें सॉटे करना है। अनियन को पकाने के बाद यहाँ पे जाएगा दूध। मैंने यहाँ पर आधा कप दूध यूज़ किया है। अभी यहाँ पर डालेंगे 100 ml फ्रेश क्रीम। अभी हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप वीगन हैं तो आप डेयरी फ्री मिल्क एंड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डालूँगी 1 चम्मच नमक। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पर नमक थोड़ा कम डालिए। उसके बाद जाएगा काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने करीबन 1.5 चम्मच यूज़ किया है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे हमें करीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। अब यहाँ पे जाएगा चॉप किया हुआ कोरिएंडर। अभी हमें इस सॉस को 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, इससे सॉस जो है गाढ़ा हो जाएगा। सॉस हमारा बिल्कुल पक गया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे स्पगेटी। इस स्पगेटी को मैंने पैकेज इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पकाया है। अब इस स्पगेटी को सॉस के अंदर डालते हैं और सॉस और स्पगेटी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसे हमें नूडल्स और सॉस को डेलिकेटली मिक्स करना है, जिससे कि नूडल्स टूट नहीं जाएंगे। सेम वाइट सॉस के साथ आप मैक्रोनी भी बना सकते हैं। अब चलिए इस स्पगेटी को हम प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे स्पगेटी। स्पगेटी के ऊपर हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ चीज़। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, आप कोई और टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा इटालियन स्पाइस मिक्स। सारी इंग्रेडिएंट्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे आखिर में कोरिएंडर डाल के इसको गार्निश कीजिए। देखिए, स्पेगेटी पास्ता हमारा यहाँ पे रेडी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।